साइंस में ऐसा प्रूवन है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो हाइट होती है वो 21 इयर्स की एज तक इंक्रीज हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट एक पॉइंट के बाद बढ़ना बंद हो जाती है या उनकी हाइट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। अब सवाल ऐसे में ये आता है कि ऐसे में आपको करना क्या चाहिए। हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लैमडिया, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग द डे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे मेथड्स बताएंगे जिनसे आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हाइट की ग्रोथ में न्यूट्रिशियस डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब शामिल जरूर हों। आपको सिर्फ एक ही तरह के फ्रूट या वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, बल्कि आपकी डाइट में वैरायटी का होना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी डाइट में शुगर, ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। नंबर 2, डू एक्सरसाइज डेली। हाइट इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज और योगा दोनों बहुत जरूरी होते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक एक्टिविटी जरूर रखें। आयुर्वेदा में बहुत से ऐसे योगा आसन हैं जिनसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है। इसके अलावा आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि पुशअप्स और सिटअप्स। इनसे आपका स्टैमिना भी इंक्रीज होता है। योगा को हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस में काउंट करते हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। इनके अलावा हम एरोबिक एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लेइंग टैग, जंपिंग रोप और बाइकिंग। नंबर 3, टेक सप्लीमेंट्स। मार्केट में बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जिनसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है। इन्हें कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, वरना इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज और डिजीज्ड पर्सन को स्पेशल केयर लेने की जरूरत होती है। जनरली डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH इनटेक करने की एडवाइस देते हैं, जिनसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है। नंबर 4, गेट इनफ स्लीप। स्लीप हमारी बॉडी में बहुत से मेजर रोल प्ले करती है, जिनमें से हाइट इंक्रीज करना भी एक है, और आपकी हाइट इंक्रीज होना परमानेंटली स्टॉप भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH रिलीज करती है, जो कि हमारी हाइट इंक्रीज करने में एक मेजर फैक्टर होता है। इसलिए टीनेजर्स को 8-10 आवर्स की साउंड एंड वैल्यूएबल स्लीप लेना नेसेसरी होता है। अगर आप इनफ स्लीप नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 5, अवॉइड ड्रग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये तो हम सब जानते हैं कि ड्रग्स, अल्कोहल का कंजप्शन करना और सिगरेट स्मोक करना हमारी हेल्थ के लिए कितना फेटल हो सकता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये चीजें हमारी हाइट के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं? इनकी वजह से आपकी हाइट की ग्रोथ होना स्लो हो सकती है। इसके साथ साथ कभी कभी तो लोगों की हाइट इंक्रीज होना परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। अगर किसी बेबी की मदर प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंज्यूम करती है या स्मोकिंग करती है तो उसी टाइम से बच्चे की हाइट पर उसका असर होने लगता है। तो ये थे कुछ इफेक्टिव वेज जिनसे आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। If you like the video, then do turn the black thumb blue and subscribe our channel Glamdia. Do press the bell icon to never miss an update. Till then, take care and stay safe.